नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों बच्चों कैसे हो आप? बहुत अच्छे बच्चों, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बच्चों आप भी बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बच्चों और बच्चों, इस समय जो हम लोगों का कोरोना काल चल रहा है बच्चों, इस काल में आपको घर पर ही रहना है, सुरक्षित रहना है और अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखते हुए करते हुए अपना बच्चों को अपने घर पर रहना है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 है, नया समाज बनाएं। कक्षा 5 चैप्टर नंबर 8 है ना, जो पार्ट होता है, लेसन होता है वो 8 है, नया समाज बनाएं, है ना बच्चों। तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। इससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा बच्चों, यदि आपने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं पढ़ा हुआ है, उनके क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हुए हैं, तो आप हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ पर जाके सबसे पहले इसकी प्लेलिस्ट को चेक करना है बच्चों। वहाँ पर पहले से उन वीडियो को आप देखना है, उसके बाद इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखना है बच्चों, है ना बच्चों। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग नया समाज बनाएं, है ना बच्चों। वेरी गुड बच्चों, आप बहुत अच्छे हो बच्चों और अच्छे समझदार भी बच्चे हो। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ नया समाज बनाएं। देखो आओ हम सब मिलके एक नया समाज बनाते हैं। नया समाज का मतलब है यहाँ पर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी, है ना। इस धरती को स्वर्ग बनाते हैं, और इस धरती है जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, इसको क्या बनाते हैं? स्वर्ग जैसा बनाते हैं। आओ नया समाज बनाएं। तो आप सब लोग आ जाओ हमारे साथ मिलके, हम लोग एक नया समाज बनाते हैं। उस समाज के अंदर क्या-क्या होना चाहिए उनके बारे में बताया गया है। जाति पाति के बंधन तोड़ो, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। यानी जाति पाति का है, तुम मुसलमान हो, मैं हिंदू हूँ, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो, तुम जनरल के हो, तुम SC के हो, तुम OBC के हो, तो जो हमारी जाति पाति का बंधन है, इन सबको हमें क्या करना है? तोड़ देना है। अपनेपन की कड़ियाँ जोड़नी है। हम कौन हैं? हम एक इंसान हैं, और इंसान एक ही है। कोई भी हो, उसका कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उससे हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी कड़ियां हैं, उनको तो हमें तोड़ देना है और अपनेपन की कड़ियों को जोड़ना है। बस वो इंसान है, मैं इंसान हूँ, और इंसान इंसान कौन है? भाई है। इस तरीका से बच्चों, इस तरीके की भावना हमें इसमें जोड़नी चाहिए। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें, और इस धरती का जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, उन सबका एक मनुष्य के साथ से दूसरे मनुष्य का रिश्ता संबंध जोड़ना चाहिए। यदि हम लोग मानव हैं तो मनुष्य हैं, तो आपस में भाई बहन होंगे बच्चों। तो मानवता है वो भाई होगा हमारा, मानव है वो भाई होगा, और औरत होंगी तो हमारी सब बहनें के रूप में होंगी। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं, और एक दूसरे का सुख दुख मिलकर, अब जो किसी के में भी सुख है और उसको दुख हो रहा है, तो हमें मिलकर उनके साथ में हाथ बटाना चाहिए। यदि किसी के ऊपर कष्ट हो रहे हैं तो उनको हम लोगों को साथ में मिलके देखना चाहिए। यदि किसी को दुख है तो उसको साथ मिलके रहना चाहिए, और दुख सुख है तो उसको भी हमें साथ में मिलकर बांटना चाहिए एक दूसरे के। आओ नया समाज बनाएं, आओ हम मिलके सब एक नया समाज बनाना चाहते हैं, जिस समाज के अंदर ये सारी चीज़ें, जाति पाति का बंधन नहीं होगा, है ना, मानव है वो मानवता का साथ में, एक दूसरे के साथ में जुड़े रहेंगे, और दूसरे लोगों के सुख दुख में हम लोग उनका साथ देंगे। इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत नमन। और इस माटी का जो कणकण है, जो धरती है हमारी, पृथ्वी है, इसका हर एक कण है वो चंदन के समान है, तो इसे करें हम सत सत नमन। और हमें इसको क्या करना चाहिए? सल्यूट करना चाहिए बच्चों। हमें सल्यूट का मतलब सत सत नमन बंदन करने का मतलब है, हमें इसका आभार करना चाहिए, हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दें हर घर आंगन। और नई रोशनी की किरणों को बनाकर हमारी जो उम्मीदें हैं, उन नई रोशनी की किरणों की तरह है, जिस तरीका से सूरज से नई रोशनी आती है, उसी तरीका से हमारी जो उम्मीदें हैं उनकी किरणों को एक नया रोशन दे दें। आज सजा दें हर घर आंगन, और हर घर में इन किरणों के रूप में हमारी जो आशा हैं, जो उम्मीदें हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारे सपने हैं, उनको हर घर तक पहुँचा देने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए बच्चों। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाग जगाएं, और हमें उन सब लोगों के मन में ऐसा भाव जागृत करना चाहिए कि हमें सबको मिलके रहना है, एक साथ रहना है। इस तरीके का मन की भावना है वो उनके मन में हमें जागृत करनी ही करनी है। आओ नया समाज बनाएं, और आओ हम सब मिलके क्या करेंगे? एक नया समाज बनाएंगे। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, और जो हमारा श्रम है उसको हम लोग क्या करेंगे? जीवन का मंत्र बनाएंगे। यानी कि हम जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वही हमारी सफलता का
मंत्र है हमें जीवन में मंत्र मंत्र के रूप में बनाना है तो हमें श्रम तो करना ही पड़ेगा। ऊंच नीच का भेद मिटाएं, और जो ऊंच नीच का भेद है तू छोटा बड़ा नीचे का जो छोटे और बड़े की जो कैटेगरी का जो भेद है उसको हमें मिटा देना चाहिए, है ना। भारत माता का हम सपूत बन नव जीवन की अलग जगाएं, और भारत माता का सपूत बन के हुए भारत माता की धरती के हम पुत्र बनते हुए हम इस संसार के अंदर एक नया उल्लास नया जीवन नया जीवन और की अलग जगाएंगे, यानी शुरुआत करना चाहते हैं हम एक नया जीवन बनाने की नई समाज बनाने का हम लोग क्या जगाना चाहते हैं अलग जगाना चाहते हैं, यानी कि उनकी प्रारंभ करना चाहते हैं स्टार्ट करना चाहते हैं। धरा सभी की गगन सभी का, और ये धरती है वो हम सभी की है, और ये आसमान है वो भी हम सभी का है। यही प्रेम संदेश सुनाएं, और यही हम सबको प्रेम का संदेश सुनाना चाहते हैं कि ये धरती है वो आप सबकी है, ये गगन है आसमान धरती सितारे ये सब आप लोगों के हैं सब लोगों के हैं, किसी एक के नहीं है पर्टिकुलर किसी एक का नहीं है। यही प्रेम संदेश सुनाएं, और प्रेम का ये संदेश है ये हम सबको सुनाना चाहिए। आओ नया समाज बनाएं, और आओ हम सब मिलके एक नया समाज बनाते हैं जिस समाज के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बच्चों क्या क्या नहीं होंगी देखो, हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि जात पात का बंधन नहीं होना चाहिए, है ना, अपनेपन की कड़ियों को जोड़ना चाहिए इसमें, है ना, और धरती का एक मानव के साथ में दूसरे मानव के साथ में उसका नाता जोड़ना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ मिलाकर बैठना चाहिए, यानी सुख दुखों में उनके साथ में बांटने चाहिए, और इस माटी का जो भारत माता की धरती है यानी कि हमारी धरती है उसका हर एक चंदन हर एक कण है वो चंदन के समान है, उसको हमें सल्यूट करना चाहिए। नई रोशनी की और नई उम्मीदों की मन में जागृता होनी चाहिए, नई उम्मीदें नई समाज को बनाने के लिए हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, और मिलजुल कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और श्रम को ही अपना गुरु मंत्र बना लेना चाहिए कि हम परिश्रम करके ही इसको सफलता की ओर ले जाएंगे, और ऊंच नीच का जो मंत्र भेद है उसको भी हमें ख़त्म कर देना चाहिए, ऊंची जाति का नीची जाति का जो भेदभाव चलता रहता है उसको भी हमें ख़त्म कर देना चाहिए। और ये स्टार्ट कौन करेगा, हम भारत माता के सपूत हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को स्टार्ट करने की जिम्मेदारी हम लोगों को ही लेनी पड़ेगी। और ये जो आसमान है ये धरती है वो आप सभी लोगों की है, आप हमारी किसी एक की नहीं है, ये आसमान है धरती है सितारे हैं जो प्रकृति की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप सबकी हैं हमारी किसी की नहीं है। यही हमें प्रेम का संदेश देना है बच्चों, और हमें ये प्रेम का जो संदेश है वो सब लोगों तक पहुंचाना है। आओ एक नया समाज बनाएं बच्चों, और आओ हम सब मिलके एक नया समाज बनाना चाहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये तो हमारी जो व्याख्या थी वो हो गई इसकी जो पोइम थी उसकी कविता की, अब इसके कुछ शिक्षण के रूप में संकेत दे रखे हैं कि हमें शिक्षण में इसका जो एजुकेशन में किस तरीका से यूज करना है वो है। प्रस्तुत कविता के आधार पर ऐसे नए समाज के निर्माण की भाव अविष्ट है जिसमें एक सबके लिए सब एक के लिए जीने के भाव से प्रेरित हों, यानी सब एक के लिए एक सबके लिए ऐसा भाव मन में उनके में जागृत होना चाहिए। नए समाज को बनाने की आवश्यकता एवं दिशा भी है कविता में अंतर्निहित है, यानी कि नए समाज को बनाने की आवश्यकता और क्यों बनी है, यानी कि नया समाज हमें क्यों बनाना है इसकी जो वास्तविक जो सिचुएशन है अंतर्निहित है, यानी कि इसकी कहानियां हैं कविता में ये सारी चीज़ें निहित हैं। शिक्षण में इन बातों का भी ध्यान में रखें, और शिक्षण करने में हम लोगों को इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें नए समाज की ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि आज हम ऊंच नीच का भेद बहुत कर रहे हैं, जाति पाति का भी भेद बहुत कर रहे हैं बच्चों, तो इस तरीके की इनको मिटाने के लिए हम सबको चीज़ों को क्या करना चाहिए, यहाँ से बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि हमें इस नए समाज की ज़रूरत है बच्चों। तो बच्चों ये जो चैप्टर हमने आपको व्याख्या कराई थी वो क्लास 5th क्लास का चैप्टर नंबर 8 है जो हम लोगों ने उसकी व्याख्या करा दी है बच्चों। आपने इससे पहले के जितने भी चैप्टरों की व्याख्या है वो नहीं देखी है तो आप सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की प्लेलिस्ट में जाके वापस जाके उन वीडियो को आप सबसे पहले देखें बच्चों, उसके बाद इस 8 नंबर के क्वेश्चन को जो आपका वीडियो है व्याख्या है इसको देखना है बच्चों, और वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेंगे बच्चों उन चैप्टरों के, उनको भी आपको देखना है बच्चों, और अपनी कॉपियों में भी नोट करते चलना है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही बच्चों, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।